हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे काफ़ी बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि मैम जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि उन लोग का जो भी फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए, उनको वहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो है वहाँ पर फिल करना है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आगे के लिए इम्पॉर्टेंट है, NEP के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑफिशियली सिलेबस है ये, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, जिससे वहाँ से काफ़ी बच्चे जो टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी वहाँ पर बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो कौन कौन से, क्योंकि फॉर्म में आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो चलिए ऑफिशियली सिलेबस पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। तो हम लोग DTU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये आपके ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर मेजर कोर्सेज, और नीचे दिया है माइनर कोर्सेज। मेजर कोर्सेज का मतलब ये हुआ कि ये कंपलसरी पेपर हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं। ऑप्शंस सिर्फ यहाँ पर एक पेपर में रहते हैं, जो कि यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं। पहला पेपर है COM 112 112, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर है, जो कि ये क्रेडिट है, ये आपका रिटन पेपर होगा, ठीक है। दूसरा पेपर है COM 113, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का सेकेंड पेपर है, जो कि यहाँ पर क्रेडिट कितना है, 3। नेक्स्ट पेपर है COM 114, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि ये भी आपको पेपर रिटर्न देना है। COM 115 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये पेपर आपका रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, 0+3, ये आपका क्या है, ये पेपर रिटर्न नहीं होगा, ये आपका क्या है, वाइवा होगा, ठीक है, जो कि ये पेपर आपका रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो है पिछले सेमेस्टर में ये पेपर आपका हुआ नहीं था, ठीक है, इसका आपका वाइवा हुआ था, ठीक है। तो ये 3 पेपर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के 2 पेपर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है Any one of the following, यहाँ 2 ग्रुप दिए गए हैं जिसमें से एक ग्रुप आपको चूज़ करना है। COM 116 की बात करें तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स यहाँ पर पेपर 1 है, और COM 117 की एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स पेपर 2 है, जो कि ये दोनों पेपर आपके रिटर्न होंगे, जो MCQ पैटर्न पर आएंगे आपके टोटली क्वेश्चंस। या तो आप यहाँ पर COM 118 COM 119, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर, इन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप आपको चूज़ करना है। या तो आप एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स का दोनों पेपर ले सकते हो, या बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 पेपर ले सकते हो। तो अगर मेरे हिसाब से अगर मानो तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बच्चे भी इकोनॉमिक्स अगर उनके लिए थोड़ा सा ईजी लगता है थोड़ा सा, तो आप ये चूज़ कर सकते हो, वरना एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इन कंपेरिजन टू इकोनॉमिक्स की बात करें। तो इन दोनों में से कोई आप एक ग्रुप चूज़ कर सकते हो, और ऊपर के 3 पेपर तो, और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी मेजर है, जो कि सबको लेना ही लेना है। अब यहाँ माइनर कोर्सेज़ की बात करें, माइनर कोर्सेज़ में यहाँ पर अलग अलग कॉलेज में अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम बात करें बेसिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, डेटा साइंस, जैसे इसमें राष्ट्रगौरव एक कंपल्सरी पेपर हो गया, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म, नेशनल कैबिट क्रॉप्स, ये सब माइनर में है, माइनर इलेक्टिव, माइनर करिकुलम एंड माइनर वोकेशनल। तो इसमें से कोई भी आपको माइनर जो आपके कॉलेज वाले चूज़ कराते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना रहता है, ठीक है, तो ये इसमें से आपका भी जो सब्जेक्ट मन करे माइनर में से आप जो ले सकते हो, जो कि आगे चल के आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ले सकते हो इसमें से, ठीक। अब चलिए 1 by 1 हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। तो आई थिंक आपको जो है सब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं एज अ मेजर और माइनर कोर्सेज। तो अब बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट का, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। अगर बात करें, सबसे पहला पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर, तो इसमें आपके 2 यूनिट हैं, और पहले यूनिट में क्या दिया गया है, डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया विद अस, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट।
भाई मैनेजमेंट का जो शब्द है ये आया कहाँ से, पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से मैनेजेरियल रोल्स होते हैं यहाँ पर, एक ओवरव्यू देना है। अगर हम फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल सिस्टम की बात करें, उसमें जितने अप्रोचेज होते हैं वो आपको यूनिट वन में पढ़ने हैं। मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में आपको टोटल पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें अप्रोचेस क्या हैं, ये चीज़ें। सेकेंड, अगर हम बात करें जो मैनेजमेंट है वो उसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग के कॉन्सेप्ट, फीचर्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, कितने तरह की प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर या स्टेप्स की हम बात करें आते हैं उसमें, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, टाइप्स और इंपॉर्टेंस। फिर MBO जो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हम जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस। जब तक देखो आप सिलेबस को नहीं समझोगे बाद में बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट सिलेबस को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन से हमको टॉपिक्स उसमें पढ़ने हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें क्या होता है, डिपार्टमेंटाइजेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर को हम कितने भाग में बांटते हैं। तो ये दो यूनिट आपको बिजनेस मैनेजमेंट के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। आते हैं सेकेंड जो पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट का, सेकेंड पेपर जो कि पेपर कोड है 113, इसमें आपको भी दो यूनिट पढ़नी है। दो यूनिट में आपके जो भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो सारे आपको सेकेंड पेपर में पढ़ने हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें डायरेक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन जो है एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा है ये बताया गया है, कम्युनिकेशन नेचर का, कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, अगर प्रोसेस की बात करें तो इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, कितने तरह के टाइप्स होते हैं नेटवर्क और क्या क्या उसमें बैरियर्स मतलब बाधाएं आती हैं आपके एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फिर क्या है मैनेजमेंट चेंज क्या होता है, मैनेजमेंट चेंज में आपके कॉन्सेप्ट क्या हैं, नेचर क्या है, कितने तरह के चेंजेस आते हैं हमारे मैनेजमेंट में, अगर कोई भी हमने बताया अगर हमको कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है, कौन कौन से मैथड्स हैं, ठीक है, यूनिट वन में। दूसरा है कंट्रोल, मतलब सेकंड पेपर में जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें थ्योरी होती है, जितने भी आपकी मोटिवेशन की थ्योरी होती है, मैस्कुले, हर्बर्स, MC ग्रेगर, ओचीफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ने हैं, लीडरशिप, लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, मतलब पूरा आपको सेकंड पेपर में पढ़ना है। अच्छे से सिलेबस समझ लोगे तो अब अच्छा रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको यूनिट वन और यूनिट टू पढ़ना है। यूनिट वन में जितना भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो शब्द है उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, किसने लाया, फादर कौन है अकाउंटेंसी इन इंडिया, इसका नेचर, अकाउंटिंग का क्या क्या स्कोप है, क्या इसकी विशेषता है, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कॉन्वेंशंस दिए गए हैं जो कि आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, टोटल ये आपका वही है, जनरल कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, इनकम एंड स्टेटमेंट। सेकेंड में आपका हायर परचेस सिस्टम पढ़ना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और रॉयल्टी अकाउंट, ये तीन चैप्टर हैं जो कि थोड़ा थोड़ा आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बीकॉम में डिटेल एनालिसिस आपको पढ़ना है कि रॉयल्टी अकाउंट अगर हम बात करें तो लैंडलॉर्ड और लेजी में यहाँ पर क्या अकाउंटिंग जनरल एंट्री होती है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये आपको इसमें पढ़ना है। फिर बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग की आपकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके अकाउंटिंग के पहले सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या होती है, कितने तरह के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होते हैं, तो उन दोनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स होते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम AIS बोलते हैं, जितने भी कंप्यूटर के एलिमेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक MIS का ही पार्ट है, ये कैसे है ये आपको बताना है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल ऑफ e-commerce, यहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो एसेंशियल ऑफ कॉमर्स में आपको इंटरनेट और कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, एप्लीकेशन B2B, B2C, बिजनेस टू कॉमर्स,
ऑनलाइन बैंकिंग, उसकी बेनिफिट्स पढ़नी है, B2C मॉडल पढ़ना है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से पेपर वन में आपको पढ़ना है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी मीनिंग है, इसका क्या कमियां है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड में पढ़ना है, थोड़ा सा उससे टफ है ये। एप्लीकेशन इन कौन कौन सा, आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल आते हैं पेपर टू में, जितने भी मॉडल आते हैं, B2B हो गया, B2C हो गया, फिर क्या हो गया, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, इसको कैसे गवर्न किया जाता है, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नर्स, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ई गवर्नमेंट मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भाई इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो आया कहाँ से, कौन कौन से प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उनसे उनके बारे में पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है, इसका कहाँ कहाँ स्कोप है, जो डिमांड है, सप्लाई है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिट सेकंड, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस, प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है यहाँ पर पूरे मार्केट से रिलेटेड, मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की मीनिंग, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, फिर मोनोपोली और मोनोप्लास्टिक कॉम्पिटिशन, ये तीन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर का, पूरा उसके बारे में। दूसरा है बिजनेस साइकिल क्या होता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं, फिर यहाँ पर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये थोड़ा सा टफ है आपका, सारे पेपर आपके लिए टफ हैं और बिल्कुल नए हैं, तो ठीक है ये चीज़ें। चलिए तो ये आपके पूरे माइनर कोर्सेज थे जो कि आपको इसमें पढ़ने थे। ठीक है, और जल्दी आपको तैयारी करवाई जाएगी यूट्यूब पे, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में गलती किए हैं, उनका पेपर भी बेकार हुआ, तो कहीं भी आपको कोर्स वगैरह इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ओके,